गाइस वेलकम बैक माय चैनल शिवानी नरवाल विलेज ब्लॉग। और आप सोच रहे होंगे कि कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ दूध लाने। तो ठंड बहुत ज़्यादा है, आपको दिखाती हूँ। देख लो आप भी कि दिन प्रतिदिन ठंड बढ़ती ही जा रही है और हालत ख़राब है। मैंने शॉल ओढ़ी हुई है, फिर भी ठंड लग रही है। पता नहीं किस तरह का मौसम आ गया है। तो अभी जा रही हूँ, जैसे बताया मैंने कि दूध लाने जा रही हूँ। ब्लॉग थोड़े से इधर उधर हो रहे हैं, उसके लिए सॉरी, लेकिन टाइम टू टाइम कर दूँगी मैं इसका, आज या कल में कर दूँगी मैं इसका क्लियर। तो आज का ब्लॉग आपको आज ही शाम को मिलेगा। और बस यही है, जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका लिए सॉरी जो न्यू सब्सक्राइबर है उनके लिए थैंक यू सो मच कि आपने मुझे सब्सक्राइब किया। गाइस ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो ताकि और लोग भी सब्सक्राइब कर सके मेरे चैनल को, बिकॉज़ न्यू चैनल है, थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप लोग प्यार दिखाएंगे तो ज़रूर जो मैंने सोचा है वो मैं करके दिखाऊँगी। सो चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद, एंड थैंक यू सो मच सभी के लिए जिसने मुझे सब्सक्राइब किया है। थैंक यू सो मच गाइस। तो गाइस दादी माँ के गॉसिप के बाद थोड़ी सी नटखटी सी बातें हुई हमारी, मतलब इधर उधर की बातें हुई। तो दो लेडीज बैठती है तो ऐसा तो होगा ही। तो चलो फिर, अभी हो गया था बहुत ज़्यादा टाइम, धूप वगैरह निकल चुकी थी और काफ़ी देर तो हम धूप में ही बैठे रहे दादी माँ के साथ बाहर, और आरुष खेलता रहा। अभी आ गई थी मेरे रूम में, तो मम्मा उसके रूम की थोड़ी सी जो रजाई थी वो ठीक थी, क्योंकि वो फोल्ड करके ना पूरी बेड पे अजीब सी लगती है, तो मैंने उसको ऐसे ही बिछा दिया। और अभी कर रही थी मैं अपना हेयर स्टाइल, बिकॉज हमारे यहाँ पे डेथ में जैसे बाल वगैरह नहीं नहलाए जाते और कपड़े साथ या फिर जुड़ने पे होता है, वो वैसे तो 7 दिन तक कपड़े वगैरह नहीं धोते हैं और बाल वगैरह भी वॉश नहीं करते हैं। तो वही है, 3-4 दिन हो गए और डेथ को उनकी। सो अभी तक हमने बाल वगैरह नहीं नहलाए हैं, अभी पता नहीं कितने दिनों बाद नहलाने हैं। सो बाल हो गए थे बिल्कुल घोंसले की तरह, तो अभी जो है बाल का हेयर स्टाइल कर रही हूँ ताकि ये पक्के रहें और घोंसला ना बने। ऐसा होता है ना रोज़ वॉश करके, सो थोड़ी सी शाइनिंग वगैरह जाती है शैम्पू करके बालों पर, और बाल जैसे मर्जी करो सेट हो जाते हैं। और आप देख रहे होगे अभी कि क्या घोंसला बना हुआ है। तो अभी बालों को फटाफट से मैं स्टिच कर लिया है, एक साइड से भी मतलब बना ली है डिज़ाइन और दूसरी साइड से भी बना लिया है। तो अभी मैं टेल पोनी करूँगी, रबड़ था मेरा बाहर तो मैं भी रबड़ लाने जा रही हूँ, तो रबड़ भी लगा लूँगी। मैंने स्कॉच के ऊपर से ही इसको लगाऊँगी ताकि थोड़ी सी टेल पोनी हो, और मुझे जूड़ा बनाना है इसलिए थोड़ा
थोड़ा ऊपर वाला जूड़ा ही पसंद है, तो इसीलिए अभी मैं जूड़ा बना लूँगी। आप चाहो तो इस तरह के भी छोड़ सकते हो खुला, तो इस तरह से आप चोटी वगैरह कर सकते हो। तो अभी मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे अपने बाल, तो मैंने जूड़ा बना लिया। बिकॉज दो तीन दिन से नहलाए नहीं, तो झाड़ू तो बनना ही था इनका। तो अभी फटाक से इसको कर लेते हैं। उसके बाद जो है मुझे नेल पेंट लगाना है अपने हाथों में, क्योंकि मेरी नेल्स की हालत ख़राब हो रही है। तो चलो आपको दिखाती हूँ कि अभी आगे क्या करना है। अभी ये चीज़ तो मेरी हो गई थी, तो अभी थोड़ा सा सिंदूर लगा लूँगी और वैसलीन लगा लूँगी ओठों पे, बिकॉज मेरे ओठ फट रहे हैं सर्दी की वजह से। तो अभी मैं हो गई थी रेडी, तो चलो फिर लगाते हैं नेल पेंट। चूज़ की हुई है मैंने ये वाली, इसी की तरह कलर है इसका। तो चलो फटाक से इसको लगा लेते हैं। मेरे नेल भी बच जाएंगे, मतलब नेल बड़ी मुश्किल से बड़े हो रहे थे, लेकिन ये वाला जो टूट गया है, मेरे नेल बड़े नहीं होते हैं इससे बड़े। तो जैसे मैं बर्तन वगैरह धोती हूँ, चूल्हे पे खाना वगैरह बनाती हूँ, झाड़ू वगैरह देते टाइम या फिर खेत का काम करते टाइम ना, ये वाले नेल्स स्क्रैच लग जाते हैं, जिसकी वजह से नहीं बढ़ते। शायद इस बार की ग्रोथ थोड़ी सी ठीक लग रही है मुझे, और शेप भी थोड़ी ठीक लग रही है। इसके लिए, इनको बचाने के लिए पहले नेल पेंट लगा लेती हूँ, क्योंकि नेल को स्क्रैच नहीं लगेंगे तो नेल टूटने से ज़्यादा बचेंगे। तो फटाक से नेल पेंट लगा लेती हूँ पहले, ठीक। आरुष आरुष फौजियों की तरह चढ़े जा रहा है, देख लो आप। ये बंदा ऐसा है कि जिस तरह मर्जी इसको मना करो, लेकिन ये वाला काम ये ज़रूर करता है शाम तक। बिकॉज ये पेड़ है ना यहाँ पे, तो इसके पत्ते यहाँ पे गिर जाते हैं साइड में, तो यहाँ से झाड़ू वगैरह मैं नहीं देती हूँ सुबह, बिकॉज़ पूरा दिन गिरने होते हैं। लेकिन ये शाम को ना ऐसा डंडा लेके ना सारे पत्ते नीचे गिरा देता है आंगन में, और फिर से मुझे झाड़ू देना पड़ता है। ऐसा है ये बंदा। देखो कैसे कर रहा है काम, झाड़ झाड़ के ना जो बीड़ बनाई होती है ना खेतों में, उसको बिल्कुल साफ कर देता है ये नीचे से। तो एक साइड कर दी है इसने अभी ये वाली, और दूसरी वाली वो बाद में करेगा। तो इसका काम चलता रहेगा। तो चलो दिखाती हूँ फिर मैं आपको आगे क्या करने वाले हैं हम। आरुष आरुष कम, क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो? बस कार्टून देखता है और कार्टून की तरह कार्टूनिंग करता है ये लड़का। कार्टून देख देख के पागल हो गया है ये बंदा। अच्छा ऐसे खड़ो, एक मिनट ऐसे खड़ो,
देखो 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 देख, मैं तेरे को एक बात बताऊं, मैं तेरे को एक बात बताऊं, सुन मेरी बात, इधर मोड़ मेरी तरफ पहले। ये बंदा कार्टून देख देख के छुन 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 छुन, प्लीज इस साइड देख, प्लीज एक बार देख ले। ये बंदा कार्टून देख देख के पागल हो गया है, ये बंदा पागल हो गया है। बहुत ज़्यादा ख़राब है यार, इतना मत सोचो इसको कि क्यूट दिखता है इसीलिए शरीफ होगा। और देखो 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 इसकी हालत देखो, देखो कैसे कैसे कर रहा है, पूरे दिन इसके ऐसे ही ड्रामे चले रहते हैं, लेकिन माँ हूँ इसीलिए सहन करने पड़ते हैं। अभी देखो बड़ा डंडा ले लिया और फेंक दी लकड़ी ऊपर। यार आरुष क्या कर रहा है, इसकी ऐसी चली रहती है, अगर इसको चोट चाट लग जाती है ना फिर पंगा पड़ जाता है। तो चलो मैं इसको रोक लेती हूँ उससे पहले ये ज़्यादा हो जाए, माइंड सटक जाए ना इसका, तब तक इसको रोक लेते हैं, वरना ये फिर पता नहीं क्या क्या कर देगा। ठीक है फिर मिलती हूँ बाद में। क्या हुआ उसे? चिंपू को चिंपू क्यों फोन कर रहा था दीदी को? नहीं पता। तब आप मेरे को क्यों पूछ रहे थे? गाइस मैंने कैमरा इसीलिए ऑन किया क्योंकि अभी इसने मुझसे पूछा ये कार्टून देख रहा था। तो देखो भाई देखो, अच्छा देख लिया देख लिया। अच्छा सुन, तो इसने मुझसे पूछा कार्टून देख रहा था, तो उसने मुझसे पूछा कि मम्मा चिंपू क्यों फ़ोन कर रहा था दीदी को? तो मैं ऐसे ही थोड़ी देर हो गई कि कौन चिंपू कौन दीदी, तो पता लगा बाद में कि कार्टून की बात कर रहा है। तो क्या बोल रहे थे आज आरुष? आप आरुष, ए बेबी ए बेबी, ओ बबू क्या बोल रहे थे? मम्मी आपने एक क्या लाया? नेल पेंट। नेल पेंट की बात ऐसी चलती रहेगी। और चलो मैं मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। चलो बाय बोलो, बाय बोलो, बाय मम्मा। नहीं बाय मम्मा, नहीं। तो गाइस दो तीन दिन से लाइट डेली ही जा रही है सुबह शाम, मतलब हालत ख़राब कर दी है लाइट ने भी। तो पापा लेके हैं एलईडी बल्ब जो खुद ही चलता है चार्जिंग होने के बाद, तो मैंने लगा दिया ये किचन में क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत किचन में होती है। तो आप देख सकते हैं किचन में कितना प्यारा लग रहा है। तो ये पीओपी हुई हुई है ना, तो इसमें कलर वगैरह नहीं हुआ है अभी, तो कलर वगैरह जब होगा तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा हमारा घर। तो अभी के लिए इतना ही, तो चलो आपको कुछ दिखाती हूँ। आज लाई हूँ मैं सर्दी का कुछ रामबाण इलाज, तो मैं दिखा रही हूँ आपको। ये है अलीगढ़ का मशहूर काढ़ा, जो बहुत ही मतलब मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका, मतलब मैं यूज़ ही करती रहती हूँ इसको। बाला जीवन का है ये जो शंदा स्पेशल, मतलब अगर आपको आयुर्वेदिक है ये, इससे कोई मतलब नुकसान वगैरह नहीं है। सर्दी जुखाम खांसी हरारत से लाभकारी होता है, और मतलब ठंडी हो जाती है ना आपको, खांसी हो जाती है, जुखाम हो जाता है, अंग जकड़न होती है, शरीर टूटने लगता है, नाक बहने लगती है, गले में खराश, शरीर में जैसे आलसपन सा आ जाता है, चुस्ती नहीं आती है, तो वही चीज़ के लिए ये बहुत अच्छा है। अगर आपको सर्दी की प्रॉब्लम है ना, तो आप इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, जो शंधा है स्पेशल। बस बहुत ही अच्छा है ये, मतलब इसमें सभी प्रकार की जड़ी बूटियाँ होती है ना, और बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या ही बोलूँ मैं, अगर आप इसको ट्राई करोगे तो यकीन मानिए कि कभी आपको नुकसान नहीं होगा इस चीज़ से। अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, आपको कहीं भी अवेलेबल हो जाएगा ये चीज़। तो हम मैंने तो मंगवा लिया था मम्मी से, क्योंकि सभी को सर्दी जुकाम हो रखा है। तो अभी हम काढ़ा पियेंगे रात को, और मैं बनाने का भी उपयोग बनाने का तरीका भी इसके पीछे ही है, वैसे गुण भी है, परहेज भी है, सब कुछ दिखाया होता है यहाँ पे देखिए। तो आप इस चीज़ को बाय करके इसको मतलब
कर सकते हो। वैसे मैं किसी चीज़ का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, पर ये बहुत अच्छी चीज़ है। आज बना रही हूँ पकौड़ा सब्जी, तो मैंने पकौड़ी कट करके रख लिए हुए हैं और टमाटर यहाँ पे क्रश करके रख लिए हुए हैं ग्राइंड करके। देन मसाले मेरे रेडी है, प्याज हमें डालना नहीं है सब्जी में, क्योंकि आप सभी को पता है कि डेथ वगैरह हुई है तो प्याज वगैरह नहीं खाते हैं। सो पकौड़े में प्याज बिल्कुल भी नहीं है। सो यहाँ पे ऑयल मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए। सो फटाक से लगा लेते हैं तड़का। ऑयल को अच्छे से गर्म होने दें, उसके बाद इसमें डालेंगे हम धनिया, सूखा धनिया। अगर आपके पास और भी मसाले हैं तो आप उसमें डाल सकते हो। मेरे पास था सूखा धनिया और थोड़ी सी अजवाइन, तो मैं इनको डाल देती हूँ। इनको अच्छे से चटकने देंगे, उसके बाद इसमें डालेंगे हल्दी, मिर्च, नमक, थोड़ा नमक इसमें है भी, और कुछ मसाले पीसे हुए। तो मैंने जैसे बोला कि मैंने कम नमक डाला है, तो इसमें नमक है भी तो थोड़ा कम ही डाला है हमने। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसका कलर आने पे। इसके बाद डालेंगे इसमें टमाटर, टमाटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कलर बहुत अच्छा आया हुआ है, इसका ऑयल निकलने तक वेट करेंगे। टमाटर सॉस की चटनी, और हम इसमें करेंगे थोड़ी सी ऐड, ये छोड़ चुका है ऑयल। इस चटनी को हल्का सा डालेंगे हम इसमें और मिक्स करेंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद इसमें डाल देंगे हम पकौड़े और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ढक के 10 से 15 मिनट पका लेंगे और रात की सब्जी रेडी। ये देखिए सब्जी हो गई है रेडी। अगर आप चाहो तो इसमें हल्का सा पानी या फिर दही लगा के भी इसको सर्व कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, एंड वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा। गाइस हरी ने लाया है अभी पिज़्ज़ा, तो पिज़्ज़ा खाएंगे। ये है नॉर्मल पिज़्ज़ा जो हमारे यहाँ पे मिलता है गांव वगैरह में, सो इससे अच्छा पिज़्ज़ा तो यहाँ पे नहीं मिलता है। फुल चीज़ी वाला जो होता है वो चीज़ नहीं मिलती है यहाँ पे, पर जैसा भी है हवी ले आते हैं खाने के लिए। तो अभी खाएंगे हम फटाक से पिज़्ज़ा, और आरुष के लिए देखो क्या क्या आया है। ओह गुब्बारा बड़ा वाला, क्योंकि आरुष बहुत दिनों से डिमांड कर रहा था बड़े गुब्बारे की, हैप्पी बर्थडे वाला। और आरुष के लिए बेकरी वाला बिस्किट आया है बड़ा, चाय के साथ खाने के लिए, क्योंकि वो चाय चाय करता रहता है, तो बड़ा बिस्किट है। तो चलो फटाक से पिज़्ज़ा खा लेते हैं। सो गाइज पिज़्ज़ा खा के और सबको खाना खिला के हो गई थी मैं फ्री। तो उसके बाद आई मैं किचन में, और मैंने सोचा कि किचन की क्लीनिंग कर लेती हूँ, बिकॉज रात को मैं किचन की क्लीनिंग करके ना सोना तो सुबह बहुत ज़्यादा बगार पड़ती है किचन में, और सुबह सुबह मुझे बगार देखना पसंद नहीं है। और सुबह उठते ही मैं किचन में आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे हस्बैंड के लिए खाना वगैरह बनाना होता है। तो पहले तो मैं किचन की क्लीनिंग कर ली है, सेल्फ गैस और खाने वाली जो दीवार है ना पीछे वाली जहाँ पे छीटे वगैरह पड़ते हैं वो भी मैंने साफ़ कर लिया कपड़े से ही। सो अभी धो रही थी मैं बर्तन, कुछ बर्तन हैं इनको फटाक से वॉश कर लेते हैं। और ये जो मेरा सिंक है ना इसको मैं मैचे से धो लेती हूँ, बिकॉज़ पूरी रात ये ऐसे ही रहता है, अगर थोड़ा सा भी गंद होना तो कीटाणु ज़्यादा पनपते हैं। तो इनको मैं अच्छे से वॉश करके ही सोती हूँ रात को। तो पूरा किचन जो है अच्छे से वॉश करेंगे और तभी सोऊँगी। तो सारे काम मेरे हो चुके थे जैसे आपने देख लिए, तो अभी बचा था थोड़ा सा काम। तो मैंने झाड़ू भी लगा लिया किचन में रात को नीचे फ्लोर पे, और पोछा भी लगा लूँगी। मेरा रोज़ का काम यही है, ये मत सोचना कि वीडियो बनाने के लिए ही ये कर रही है।
तो मेरा रोज़ का काम है, जो मेरा काम है वही मैं वीडियो में दिखाती हूँ। मैं एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं दिखाती हूँ कि मैंने वीडियो के लिए कुछ एक्स्ट्रा किया। सो गाइस, ये काम तो मेरे होते ही हैं। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और प्लीज़ गाइस लाइक मारो यार, वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप जाके मेरी प्रोफाइल देख सकते हो, मेरे विलेज से रिलेटेड सारे से सारे ब्लॉग आते हैं। सो आपको वीडियो आज की कैसी लगी है ये ज़रूर बताना कमेंट करके, और सब्सक्राइब ज़रूर करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो एंड लव यू ऑल। बाय बाय।